पे तो कट्टा लग रहा कट्टा। पहली बार मम्मा लिफ्ट में बैठ गई। मजाक कर रहा हूँ भाई। बहुत गलत सीन है भाई, बहुत ही गलत सीन है। पंचर वाली दुकानें भी बंद हो गई क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। देखो भैया घर बन गया है इतना, और देखो क्या करा, लैंडन पड़ रहा है ना लैंडर पर, तो ये छीट आगे गिरी है। अब ये चिपक जाएंगे तो कौन छुटा आगे से। बोनेट पे भी थी, वो मैंने साफ कर दिया पानी से। साढ़ो वहाँ मजे ले रहे यार, ये देखो अब ये चिपक जाएंगे तो रंग भी छूटेगा इसका। अब मैं इसे साफ कर देता हूँ पहले। आगे बहुत सारी थी, आगे देखो कितना क्लीन लग रहा है, वो मैंने अभी साफ कर दिया। वो तो शुक्र मना, आज बारिश सी हो रही है तो ये अभी तक जमी नहीं, वरना पूरा पेंट छूटता। ये देखो ये अपनी मौज में भाई, पानी पी जा रहे पी आराम से, हल्का हो गया ठीक है। लो भाई अब देखो कंडीशन, भाई साहब इतनी मेहनत लग गई ना, पूरा पसीने में हो गया, फालतू का गाड़ी हो गया मेरा। तो बिल हो फुल साफ भाई, पास से दिखा दो। ले लो पूरा साफ कर दिया, वो अंदर से वो वाली चीज़ जो है ना वो खुल के साफ होगी, तो वो बात का काम है। फिलहाल ये जो चीज़ है ये मैं डेंटिंग पेंटिंग करवाऊंगा इसकी, वो ठीक हो जाएगी। बाकी पूरा सफा चक, छत से भी देखो आगे से भी देखो। अब देखिए इधर की साइड तो मैंने साफ कर दी, फिर उधर की गंदी पड़ी जाती तो पूरी मैंने धुल दी अच्छी तरीके से। सब पानी मैंने करा यहाँ से गया था, तो स्कूटी भी साफ हो गई, इस पर भी गिर गया था बहुत सारा पानी। वही आज एक और ऑर्डर आया है, पर ये लैपटॉप वैपटॉप नहीं है, ऐसा लग रहा ना कि लैपटॉप मंगवाया हमने, बट ये लैपटॉप नहीं है। इसमें मैं दिखाता हूँ क्या है, इसमें है प्रोटीन आई थिंक। नस देख रहे हो भाई कहा, तो वो वर्कआउट करते समय और बहन कर आती हूँ, दोनों से खोल लेता हूँ यार। ये हमने मंगाया एक और वे प्रोटीन आइटम का, ये बंसी का है, और कुछ नहीं है। शैडो पड़ा है नीचे, अब मैं उससे बोलूँगा एसी चल गई। शैडो एसी चल गई, अरे आ जा एसी चल गई ऊपर आ जा। थोड़ी सी बेइज्जती करवा रहा हूँ, आ जाता है। शैडो जल्दी आओ, एसी का नाम का लालच, एसी के नाम का लालच है, एसी के नाम का लालच। भाई कैमरा साथ ले लिया हमने, इसमें माइक मैन निकाल दिया क्योंकि इससे अभी हम रील्स बनाएंगे। गाड़ी से जा रहा हूँ, अभी एक चश्मा भी लेना है, तो पहले उनिंदर को लेके चल रहे हैं। वही आ गए उनिंदर भाई, अब हम चल रहे हैं पहले चश्मा लेने, फिर चलते हैं वीडियो बनाने। और भाई क्या हाल है, क्या हाल है? बढ़िया भाई, आओ चलो चल रहे हैं चश्मा लेने, पहले पकड़िया चश्मा, एकदम सेट मिल गया, एकदम खतरनाक। करो लो कितना प्यार लग रहा है, लिखो लेट्स गो गाइस, अब चलते हैं वीडियो बनाने फटाफट। चलो भाई ये सही लग रहा है ना चश्मे पहले से, ये वाले भी सही लगता है, वो भी बढ़िया था, लेकिन जो मैं मांग रहा था वो मिला नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस एक प्यारी सी लोकेशन पे आ गए, देखो बिल्कुल ऐसे खतरनाक सी रोड है, इधर भी खतरनाक सी रोड है, यहाँ से आके अपना घर आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जरा एक रील शूट करेंगे, उनिंद्र भाई प्रोफेशनल कैमरामैन हमारे, पहले रील्स बना लेते हैं, फिर मुझे बाल कटवाने जाने, अपना 6-7 महीने बाद पुराने वाले लुक में आ जाऊँगा वापसी से। तो गाइज अभी एक दिक्कत हो गई, तौलिया का रैप्टर लग गया मुँह पे। सो गाइज रील्स जो है वो बना लिए, थोड़ी बहुत जो भी थी मतलब जल्दबाजी में बना ली है, क्योंकि भाई अब बाल कटवाने हैं ना, और फोटोज वगैरह भी खींच लिए इस वजह से, क्योंकि बाद में मेमोरी याद रहे कि चलो बाल कैसे थे कैसे नहीं थे। अब 8 महीने की मेहनत की ऐसी की तैसी हो जाएगी, 8 नहीं ज़्यादा 10 महीने की, ठीक है गाइज। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक घर पर तलवार वाली वीडियो बनानी है, बस एक लास्ट वो बना के फिर निकल जाएंगे हम मंदिर के लिए, फिर मंदिर से आके अपन चलेंगे बाल कटवाने, वहाँ से चितांशु भी साथ में आएगा। फिलहाल अभी चल रहे हैं घर की साइड सीधा। लो गाइस आज का एक और ऑर्डर, आज का एक और ऑर्डर, ऐसे आते रहे हमारे घर में, देखो एक आगे एक आगे एक ये पड़ दे। लो गाइस हेलमेट चेक करो तुम यार, जो लग रहा है खतरनाक एकदम। ये गाइस हमने अपनी वाली बुलेट के लिए ये वाला हेलमेट तैयार करवा लिया, इसके आगे इसका जो विंडशील्ड है ना ये, क्योंकि उसमें आग पार हो सकता है, इसमें हमने ये वाली रैप चढ़वा ली है, ठीक है। खतरनाक रेसिंग लुक आ रहा है वैसे, तो बंद करके ऐसा लुक आएगा खतरनाक, जैसे पहन कर लोग देखते कौन आ गया। लो जी देखो ऐसा लुक आता है, पहचान में आ रहा हूँ? बिल्कुल नहीं कह रहे पहले बिल्कुल। चलो भाई भाई ये वो रास्ता जो हमें सीधा मंदिर लेके जाता है, और आप इसे छोड़ो यार चित्रांशु को देखो। पूजा वगैरह एकदम डन हो गई है, और देखो टीका कितना शानदार लग रहा है, और अभी चल रहे हैं फटाफट अपने बाल कटवाने। ना कैसे लौंडे से खिंचवा रही है गाड़ी पूरी है, तभी कहते हैं लैक्स मारे करो, तुम तो कुछ भी ना मारते लैक्स तो बहुत दूर की बात। चलो गाइस लेट्स गो, आ जाओ भाई उनिंदर यार, चैटिंग बाद में कर लियो गाइस। गाड़ी रोक जी, आ गए बाल कटवाने, गायब करवा दूंगा पूरे, बन जाऊंगा।
टू पीपल इन टू सन इन वन फ्रेम, माय दो बालक इन वन फ्रेम। लेट्स गो गाइस, अब चलते हैं घर जाकर, सीधे रिएक्शन नोट करते हैं मम्मा का और बाकी लोगों का भी। अभी मम्मा उधर को मुंह कर लो, मत देखो वरना अभी तो बाल खड़े हैं। क्या चीज, अबे सही तो लग रहा है यार, मुंह लग ही नहीं रहा। क्यों सर, ये तो मुंह बड़ा गंदा लग रहा है। चीज सो गाइस, नहा के आ गया हूँ एकदम मस्त। और बाल भाई साहब इतने, मतलब जब नहाता था ना मैं तो पहले बाल ऐसे करता था, जब तो बाल ही नहीं है तो ऐसे इतना खाली खाली लग रहा है ना, उस क्या बताऊँ। और मेरी मम्मी ने तो मुझे पहचानने से मना कर दिया कि ये कौन है, बट फिर बाद में वो पहचान गई कि हाँ मैं यूँ। ठीक है, साइडों को कुछ अंतर नहीं लगा। गाइस चेक करो, साइड लुक चेक करो ये, और ये शेड नेचुरल है, जैसे ब्राउन ब्राउन से शेड आ रही है ना, ये नेचुरल है भाई, मैंने कुछ करवाया नहीं। सो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है बज रहे हैं 5, और मौसम इतना खतरनाक हो रहा है कोई कह नहीं सकता कि दोपहर, मतलब गर्मियों के समय में 5 बज रहे हैं। और भाई ये घर देखो, देखते देखते कितना बन गया, मतलब पहले इतना सा होता था, अब इतना बन गया, मतलब एक मंजिल बन गई, एक मंजिल और बनेगी तो सामने का लोग खराब हो जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं, हमारे छत से सामने का सब दिखते हैं। तो गाइस मैंने बाल कटवाए, तो फिर मैंने ये ध्यान दिया कि मुझ पर कपड़े भी कुछ है नहीं, तो गाड़ी भी मुड़ गई है, डैडी मैं मम्मा सैडो बंसी एक ही बात है, तो हम सब लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। उस सैडो भी फटाफट से बाहर आ गए, देखो कि मुझे लेकर नहीं जा रहे। हाँ भाई सैडो तू नहीं जा रहा, अभी चल रहे हैं ट्रेंड्स, देखते हैं कहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, शायद ट्रेंड्स पे बढ़िया मिल जाएंगे, ट्रेंड्स पे बढ़िया नहीं मिले तो मेरे एक साथ का भाई है उससे बात कर लूँगा, क्योंकि उसके भी कपड़ों की शॉप है बढ़िया सी, तो वहाँ से कपड़े ले आएंगे हम लोग। अभी कपड़ा देख के आते हैं कि कौन सा पसंद आता है, कोई उठा लेंगे। सैडो कर रहा टॉयलेट, लो हंस कर रहे, तुम भी नहीं करते क्या? हम लोग पहले स्कूटी को कर दे रहे हैं अंदर, क्योंकि घर पर भी कोई है नहीं, होगा नहीं सैडो के अलावा, सैडो तो स्कूटी चलाएगा नहीं। ओए 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 पावले, तू नहीं जाएगा, रुक जाओ, क्या कर रहा है, कुछ कर थोड़े, क्या कर रहे हैं? अरे 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 लो जी भाई आ गए हैं ट्रेंड्स, ये सामने अपना शोरूम है, और पार्किंग यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, तो मुझे आगे को लगानी पड़ेगी उधर की साइड जहाँ बंसी भाई खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से दूसरी गाड़ी भी निकलेंगी। ये देखो ट्रेंड्स, लेट्स गो। तो भाई आ गए हैं, जो यहाँ पर नीचे जो है ये गर्ल्स का है, अभी हमें चलना ऊपर, ठीक है, तो ऊपर चल रहे हैं। लोगी कुछ? हाँ मैं ऊपर जाती हूँ। हैं ऊपर तो लड़कों का, देख तो कट्टा लग रहा, कट्टा। पहली बार मम्मा लिफ्ट में बैठ रही है, मजाक कर रहा हूँ भाई, हमें जाना है यहाँ पे सेकंड पे, ठीक है, तो सेकंड पे लड़कों का फ्लोर है। गाइस हम शायद ज्यादा ऊपर आ गए, देखे भाई और ऊपर आ गए हम, ज्यादा हम किड्स वाले वहाँ गए, बंसी किड्स ही। तो गाइस चार सीढ़ी ऊपर जाना बस, पर हम नवाब हैं तो हम लिफ्ट से जाएंगे वापसी, ठीक है, घर से समसम खुल जा, 3 2 1। बड़ी हल्के लिफ्ट लगा रखी भैया, उस लौंडे से पहला नहीं, लौंडा पहले पहुंच गया। ये वाली जगह लो भाई, पहुंच गए भैया। ओफो मेरी तरफ से गिफ्ट जी, ये दो चीज़ें ट्राई करने वाले जा रहा हूँ अपने लिए, देखो एक येलो एक रेड। ओफो देख रहे हो तुम्हारे भाई को, ये मन कर रहा शूट कर लूँ, पर भाई कुछ शूट नहीं कर सकते यहाँ पे, देखो पॉइंट एंगल पर डोला, देखो भाई का। अभी कपड़े चेंज करते हैं भाई, एक ड्रामा हो गया, लार्ज लिया है उठा कर, लार्ज इतनी लंबी, अब जाके मीडियम लानी पड़ेगी फिर से। गाइस अभी ट्राई करते हैं, अंदर आई लीक ऊपर गया, अब बाहर आई, देखो भाई क्या है पता ना, पहन के देखता हूँ। सिंगल तो खतरनाक लग रही है, अब पहन के देखते हैं इसको ऊपर, लो जी लुक देख लो भाई, काफ़ी अच्छा आ रहा है,
बाकी अब मम्मा से पूछता हूँ, भाई साहब फिर से आ गया हूँ इसे ले गए, इसके बाद नहीं आऊँगा कसम खा रही हूँ। लो जी ये लग रही है कुछ ऐसी, बैग से देख लो, देख रहे हो भाई कितना सुंदर है जगह, नहीं मैं हैं ना, मुझे नहीं लग रही गाइस, आपको लग रही है, नहीं उल्टी लिख दो कमेंट में ओके मैं जाकर वही नीचे उतर कर चलो विदाउट लिफ्ट। भाई मैं बहुत नवाब हूँ ना, इस वजह से मैं पैदल भी आता हूँ कभी कभी। यह गर्ल्स एक्शन, यहाँ पर मम्मा घुस गई हैं, मम्मा के पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। भाई हमने तो कुछ लिया नहीं, थोड़ी खुराफाती कर लो, लो ये लो गाइस, ऐसा होता है मैंने बनाया था खुराफाती अल्ट्रा प्रो मैक्स, लग जा भैया कुछ फालतू पैसे दे के फ्री दे रहे हैं, ये वाली चीज़ ले लो तुम, मिली 400 रुपये फालतू दे के, 6000 की शॉपिंग है तो वो वाली 4000 की शॉपिंग पर 250 रुपये दे, 250 में तो ऐसी आ जाती है। खड़ी अपनी कहीं भी खड़ी हो भाई साहब अलग ही लगती है, देख रहे हो बिल देख लो, ये टैटू देख लो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मैं रोज़ देखता हूँ और आपको भी रोज़ दिखाता हूँ, जय श्री राम। और बाकी भाई सब्सक्राइब कर दो अपने रक्षित भाई को यार। भाई साहब मुझे तो कुछ पसंद आया नहीं भाई कसम से, और बंसी ने पूरा लोटा, मैं लोटा है पूरा, मतलब क्या बोलते हैं झोंगा वोंगा जो होता है वो जो ये देते हैं, तो बंसी ने पूरा भर लिया अपने कपड़ों से, और थोड़े बहुत डैडी ने ले लिए, मम्मा को कुछ लेना नहीं था तो मम्मा ने कुछ भी नहीं लिया। और गाइस अब मैं लूँगा पैसा घर से, पैसा लेके जो मेरे दोस्तों की दुकान, अरे बंद हो गई, हाँ तो पैसा लेंगे हम घर से, पैसा लिया और फिर उससे हम अपनी पसंद के कपड़े ले आएंगे। बाकी वो लोग आ रहे हैं, इंतजार कर रहा हूँ, उनका बिल करवा रहे और फिर अपन लोग रफू चक्कर हो जाएंगे ऐसे जाए। नया टायर भयंकर घटना क्या हुआ रेडी ऐसे पंचर हो गया, कैसे हुआ है ना टायर बताना। गाइस बहुत बुरा सीन हो गया गाड़ी का, सारी दुकानें बंद है पंचर की। भाई जितनी लाइटिंग आ रही है इतने में देख लो, क्योंकि भाई यहाँ पे स्ट्रीट लाइट देखनी बहुत मुश्किल है, उस रोड के पार है उधर में जाने का, क्योंकि गाड़ी हमारी इधर खड़ी है, तो हम भाई काफ़ी जगह होके आए, पंचर वाली दुकानें भी बंद हो गई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और मुंबई भाई 12 बज के पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम है यार। और गाइस बंसी को बोला, एक अंकल है हमारे, उन्होंने कहा चलो हम पे हो सकता है, तो बंसी उनसे लेने गया है, बंसी को यहाँ से अनंत के साथ भेज दिया था, बहुत भसड़ हो गई, बहुत भसड़, मैं घर जाके समझाऊंगा। फिलहाल बंसी का इंतजार कर रहे हैं, मुंह पे भी पसीना आ गया यार बहुत भयानक, पूरे कपड़े भीग गए पसीने में, बंसी का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं उससे काम बनता है तो ठीक है, उन्हें गाड़ी यहीं पे पार्क करनी पड़ेगी। भैया ये भी आ गया, आ जा जल्दी आ जा, देखते हैं भाई क्या सीन होता है। भाई ये वाला आ गया सामान, सारे चाबी हैं, खुल गए, खुल गया, रख लिए टायर, रख लिया पंप, रख लिया वो अपनी शॉपिंग का सामान है, बाकी सब बंद कर दिया, ठीक है बाकी सामान स्कूटी के डिग्गी। बहुत गलत सीन है भाई, बहुत ही गलत सीन है, बस 1% फोन में बैटरी बची है, अभी तो एक दवाई लेने रुके हुए मेडिकल पे, फिर भाई सीधे घर चल रहे हैं, घर जाके फोन चार्ज करके मैं तब आपको बाकी की सिचुएशन बताता हूँ। अब क्या तो सब ठीक है, सारी चीजें अभी आपको घर जाके समझाऊंगा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या क्या हो गया, कैसे कैसे हो गया, फोन स्विच ऑफ होने वाला, भाई पहले घर पहुंच रहा हूँ है ना, अभी घर से फोन आया फोन स्विच ऑफ जाए, इससे पहले फोन बंद कर दे रहा हूँ पहले। सो गाइज फाइनली हम लोग जो है घर आ चुके हैं, और गाइज जो सीन हुआ था वो मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ। तो गाइज हम सबसे पहले शॉपिंग करके, मतलब शॉपिंग करने गए, फिर हम चुपचाप अपना घर आ रहे थे, तो गाइज रास्ते में जो है टायर फ्लैट हो गया, टायर फ्लैट भी वो वाला हुआ जो कि हमने एकदम नया डलवाया, आगे के दोनों टायर जो है नए डलवाए हैं सीएट कंपनी के। तो गाइज हमने सोचा कि हम पे पंप भी था गाड़ी में, जो गाड़ी का पंप होता है इलेक्ट्रिक पंप हमने खरीद कर रख रखा है, तो गाइज उससे हमने ट्राई करा, हवा नहीं भर रही। फिर हमने सोचा गाइज कि किसी मैकेनिक को बुला लाते हैं आसपास, पर टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, आपने बीच में सीन देखा होगा कि मैं स्प्लेंडर से कहीं जा रहा हूँ, तो भाई अनमोल भाई को मैंने फ़ोन करा था, तो उन्होंने दो भाई भेजे थे, तो थैंक यू सो मच भाई, आपने मतलब हेल्प करी आके, और अनंत भी आया था, तो थैंक यू सो मच भाई हेल्प करने के लिए। और गाइस फिर हम वापसी आए, तो गाइस कोई मैकेनिक भी नहीं मिला क्योंकि रात इतनी हो गई थी, तो गाइस हमने सोचा कि स्टॉक व्हील है का, स्टॉक व्हील लगा लेंगे अलॉय व्हील की जगह, उसे निकाल के रख लेंगे, फिर इसे बाद में सही करवा लेंगे। तो गाइस सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि उसमें अलॉय व्हील लगे हुए हैं, तो उसकी जो एसेसरी होती है ना उसे खोलने की, वो अलग होती है और वो हम पे नहीं थी गाइस, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। फिर हमारे एक अंकल हैं, तो हमने उन्हें फोन लगाया, अनंत बंसी को घर छोड़ गया, तो फिर बंसी घर से उन अंकल के यहाँ से वो चीज़ लेके वापसी वहाँ पे आया, फिर जाके हमने टायर खोला, टायर लगाया, तो गाइस ये भसड़ हो गई थी,
बहुत भसड़ थी, मतलब सर दर्द हो रहा था उस समय तो। तो गाइज मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि एलॉय व्हील मत लगवाना, ये मैं कद्दू भी नहीं बोलूंगा भाई, एलॉय व्हील लगवाओ भाई 18 इंची 22 इंची 24 इंची जितना तुम्हारा मन है, बट भाई उसकी एसेसरी साथ लेके घूमो क्योंकि भाई कभी भी जरूरत पड़ सकती है, हम पे भी थी बट वो पता नहीं कहाँ खो गई भाई, मिली नहीं। जिससे हम ट्राई कर रहे थे वो स्टॉक व्हील की थी, वो अलॉय व्हील में काम नहीं करती, तो अंकल वाली एसेसरी से हेल्प हो गई हमारी, वरना गाड़ी तो आज रात वहीं पे पार्क करनी पड़ती। और गाइस मैं सीएट में भी फोन करके पता कर लिया है, वहाँ पे 24/7 सर्विस मिलती है, हमें फोन कर सकते हैं हम। तो गाइस वो कह रहे हैं कि सुबह आप आ जाना, आपको नया टायर मिल जाएगा क्योंकि आपकी टायर वारंटी में है, नया है, और आपने अगर ज्यादा यूज नहीं करा होगा ना, ज्यादा नहीं घिसा होगा, तो आपको नया टायर मिल जाएगा। तो गाइस सुबह जाके मैं नया टायर भी लेके आऊंगा, तो सोच रहा हूँ वो वाली सुबह वाली क्लिप भी इस ब्लॉग के आगे जोड़ दूंगा। और अभी मैंने आते ही कपड़े में तेल भर लिया, ये टोपी मैंने पहन ली। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो भाई लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। जय श्री राम। गाड़ी का गया नया टायर, अभी उसे 200 रुपये दे गए, ये एक्सचेंज करवा दिया और उन्होंने नया लगा दिया बिल्कुल। आज का सीएट का जो टैग आता है नए टायर पे, वो इसका है, इस वाले का।